नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के नगर पंचायत जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला राम रतन मंडी में राकेश पाल पुत्र सेवाराम का 33 साल से अधिक पुराना मकान है। मकान के कुछ भाग पर लेंटर व कुछ भाग पर कड़ियां पड़ी हैं। मकान के जर्जर हालात होने पर गरीब परिवार ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया था। एक बार आवेदन सेवाराम के नाम से किया गया था, जबकि दूसरी बार आवेदन राकेश के नाम से किया गया। आरोपी के नगरीय विकास अभिकरण से संबंधित अधिकारियों ने सुविधा शुल्क न मिलने पर मकान का चयन योजना अंतर्गत नहीं किया। राकेश पाल ने नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय के काफी चक्कर भी काटे, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं किया गया। बुधवार की दोपहर में राकेश पाल अपनी पत्नी बबीता, पुत्री खुशी, स्वाति, पुत्र विशाल एक ही कमरे में सो रहे थे। जर्जर लेंटर परिवार के सदस्यों के ऊपर गिरने से चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने परिवार के सदस्यों को घायल अवस्था में मकान से बाहर निकाला। भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्र पाल ने 118 नंबर पर सूचना दी। सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तो परिवार के 5 सदस्यों को CSC थाना भवन भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। तहसीलदार राजू शर्मा को सूचना दे दी गई। तहसीलदार ने जांच कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बस घटना तो ये हुई जी, ये अपना खेत में से मजदूरी करके आए थे। अब लेंटर इनका जो है काफ़ी पुराना जर्जर हालत में है। अब जैसे परिवार सहित अपने घर में आराम कर रहे थे, अब वो अचानक से भरभरा के एकदम गिर गया। अब गिर के जो है पंचों जो है गंभीर रूप से घायल हैं जी। एक लड़की की हालत बहुत गंभीर है, खुशबू की। कितनी उम्र है उस लड़की की? उस लड़की की उम्र है जी लगभग 8-9 साल के करीब है जी। कितने सदस्य थे टोटल? टोटल सदस्य 5 है जी। राकेश, पुत्र सेवाराम, उसकी पत्नी बबीता, सबसे बड़ी लड़की स्वाति, उसकी उम्र है 17-18 साल। और एक लड़की है उसकी, एक लड़का है उसका विशाल, उसकी उम्र भी 10-11 साल है, वो भी घायल है। एक लड़की खुशबू है, उसकी भी काफी घायल है, वो भी गंभीर है। पूरे परिवार सही थी? पूरे परिवार सही थी है, पूरा परिवार ही लेटा हुआ था दोपहर में गर्मी की वजह से। और इन पे कोई और आश्रय भी नहीं है लेटने का। गरीब आदमी, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में भी आवेदन कर रखा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी बार ही आवेदन कर चुके, जबकि इनका लेंटर बहुत ही जर्जर हालत में, कम से कम लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना लेंटर है। बहुत ही, आप भी देख रहे हैं इसकी हालत जो है बहुत बड़ी खराब है। तो घायलों को कहाँ पहुँचाया अभी? घायल को जो है जो एम्बुलेंस से मैंने जो है 108 नंबर पर कॉल करके उनको जो है रेफर कर दिया था थाना के लिए। तो क्या स्थिति बताई जा रही है घायलों की अभी? अब देखो जी, अब डॉक्टर चेकअप वगैरह करके बताएंगे, तो उनके एक्सरे वगैरह जो भी होगा। किस टाइम की घटना है ये? लगभग 1 बजे की घटना है जी। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।